आज की इस वीडियो में हम पांच बहुत ही प्रीमियम ब्रांड के ओवरसाइज टी-शर्ट्स देखेंगे जिसमें नाइकी, एडिडास ओरिजिनल्स, पूमा, रीबॉक क्लासिक्स और जॉर्डन भी है। और साथ ही हम एंड में ये भी जानेंगे कि जो ये बेच रही है, जिस प्राइस में बेच रही है, वो सच में कुछ अलग दे रही है या अदर कंपनीज जो ऑलरेडी मार्केट में है वो इससे अच्छा काम कर रही है, बेसिकली कंपेयर करेंगे। और सबसे पहला टी-शर्ट आ गया हमारे पास में। ऑल्दो ये भी बता दूं कि इन सारे वीडियोस को बनाने में गाइस बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, बस आपको क्या करना है, मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें अच्छा लगे। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग लिखी गई है 1799 रुपए सिर्फ एक टी-शर्ट के लिए। और ऐसा टी-शर्ट के अगर क्वालिटी की बात करें, टी-शर्ट पूरा व्हाइट कलर का है, कॉटन का टी-शर्ट है, 100% कॉटन में यूज किया गया है जो कि मेंशन था। और टी-शर्ट के फ्रंट में रेड और ब्लू कलर से रीबॉक क्लासिक की ब्रांडिंग की गई है, बड़ा बड़ा लोगो प्रिंट किया गया है। टी-शर्ट में कुछ है नहीं बात करने को, सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंट है। प्रिंट की क्वालिटी की बात करें, रबर प्रिंट है एंड रबर बहुत ज्यादा स्मूथ है। लिटरली अगर मैं तोड़ू मड़ोड़ू ऐसे ऐसे भी करूँ ना तो इसमें कुछ भी ऐसा दरारे या खींचने से भी ना कोई दरार नहीं आती, रबर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। टी-शर्ट के बैक और नेक साइड में यहाँ पर आपको रीबॉक क्लासिक की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ये मैंने एल साइज मंगाया है। साथ ही ये भी ध्यान रखना, इस वीडियो में जितने भी टी-शर्ट देखने वाले हैं वो सारे ओवर साइज फिटिंग के साथ आते हैं। वीडियो के एंड में जानेंगे कि इसके प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी वर्थ इट है या नहीं। बराबर चलते हैं अपने नेक्स्ट टी-शर्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टी-शर्ट हमारे पास में आ गया। भैया ये जो टी-शर्ट है ना, पूरे पूरे 1-1.5 महीने हमारे घर में पड़ा हुआ है और हम प्लान कर रहे हैं कि अब बनाए कि कब बनाए कि तब बनाए, बना रहे। ब्रांड का नाम है जॉर्डन। यस, टी-शर्ट में आपको जॉर्डन का टैग मिल जाएगा, नीचे लिखा हुआ है ड्राई फिट। ये टी-शर्ट ड्राई फिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, यानी ये जल्दी से सूखता है थोड़ा सा, और नाइकी के वेबसाइट से खरीदा था। पीच कलर का पूरा टी-शर्ट है एंड टी-शर्ट में आपको कुछ भी 3-5 ऐसे चिड़िया, ऐसे ढोकला, ऐसे कुछ नहीं मिलता। बस सेंटर में बीच में जंपमैन का लोगो डिजाइन किया गया है जो कि अपने आप में इस टी-शर्ट के लिए एक आइकॉनिक डिजाइन है और इस टी-शर्ट को एक्सट्रीमली पॉपुलर बनाती है। जो जॉर्डन पसंद करते हैं इसे देख के मुंह से लार टपकता है, मेरा भी। प्रिंट की क्वालिटी की बात करें, रबर का प्रिंट है, डेफिनेटली अच्छा होगा भाई। 1300-1400 रुपए लिए इस टी-शर्ट के। अंदर में आपको जॉर्डन की ब्रांडिंग मिल जाएगी, लिखा हुआ है मेड इन चाइना जो कि थू है, लेकिन फिर भी है तो है, अब क्या कर सकते हैं। और कुछ नहीं, इतना पैसा लग गया और इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर इसका कॉम्पोजिशन दिया हुआ है 60% कॉटन, 40% पॉलिस्टर इसमें यूज हुआ है। इस टी-शर्ट के नीचे आपको ऐसे कट्स मिल जाते हैं जैसे पोलो शर्ट्स में मिलते हैं ना। दैट्स इट, फटाफट चलते अपने नेक्स्ट टी-शर्ट की तरफ। जॉर्डन फेंक दिए। वैसे नाइकी भी देखना है, लेकिन उससे पहले देखते हैं हम ये जो टी-शर्ट की डिजाइनिंग है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे। फटाफट देखते हैं वैसा दिखता है या नहीं दिखता है। पूमा की आपको पन्नी मिल जाएगी, पूमा का आपको टैग मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी गई है 2299 रुपए, यानी अब तक का ये सबसे महंगा टी-शर्ट है। फटाफट टी-शर्ट को देखते हैं। इस टी-शर्ट में पूरी इल्यूजन वाली डिजाइनिंग बनाई गई है। टी-शर्ट के कलर में आपको यहाँ पर ब्लैक देखने को मिलेगा और मिलेगा मॉव। पिंक कलर देख रहे हो ना, इसे मॉव बोलते हैं, पिंक बोल सकते थे, लेकिन वैसे फिर महंगा नहीं लगेगा ना, एक्सपेंसिव नहीं लगेगा, तो इसको अलग से कुछ अलग बुलाएंगे। जैसे मैदा के रोटी में थोड़ा सब्जी छिड़क कर ऐसे दे दिए तो उसको तो फिर कोई इज्जत नहीं मिलेगा ना, तो उसको बुलाएंगे पिज्जा, तब थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी। अब जैसे मकई को सिझा के बस ऐसे दे देंगे तो उसकी क्या वैल्यू है, तो उसको बुलाएंगे स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा मसाला छीट के तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक वैसे पिंक नहीं, मॉव। टी-शर्ट में आपको राउंड नेक मिल जाएगा, शॉर्ट स्लीव मिल जाएगा। और टी-शर्ट में अगर डिजाइनिंग की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को ऐसा लगेगा पूरे ब्लैक टी-शर्ट में हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचे गए हैं, लेकिन उसी हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच बीच में ना आपको पूमा की ब्रांडिंग मिलेगी जो कि इल्यूजन टाइप में ऐसे करके यहाँ पर लिखी गई है। और ये जो इल्यूजन डिजाइन है ना, सिर्फ आपको फ्रंट में नहीं बल्कि बैक में भी मिलती है। राइट चेस्ट में आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि एक रबर पैच के थ्रू यहाँ पर लगाई गई है, एंड ये भी मेड इन सरदर्द से आया है, यानी चाइना से आया है। अंदर में भी पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ये मैंने एल साइज मंगाया है, एंड दैट्स इट, इसमें भी और कुछ नहीं। ओवरऑल कॉटन का टी-शर्ट है, क्वालिटी कितनी अच्छी कितनी नहीं एंड में बात करेंगे। अब आ गया हमारे पास भारी भरकम नाइकी टी-शर्ट को बड़ा-बड़ा निकालते हैं। और ये जो टी-शर्ट है, टी-शर्ट कम थोड़ा सा स्वेटर या स्वेटशर्ट टाइप का है, यानी इसमें बहुत ज्यादा भारी है भाई। अगर टी-शर्ट की डिजाइन की बात करें, पूरा ओवरसाइज टी-शर्ट है लेकिन हुडेड टी-शर्ट है। तो नेक में आपको एक हुड मिल जाएगा, उसके नीचे आपको चेन मिलेगा, चेन की क्वालिटी अच्छी है, प्लास्टिक का चेन है, और चेन का जो ग्रिप है उसमें भी आपको नाइकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। लेफ्ट चेस्ट में यहाँ पर आपको सनफ्लावर देखने को मिलेगा जो कि एम्ब्रॉयडरी के थ्रू डिजाइन किया गया, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। और उसके ऊपर लिखा गया है फ्रॉम बेनेटन विद लव, और ऊपर में रबर के थ्रू नाइकी की यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है। टी-शर्ट के पीछे आपको बहुत बड़ी रबर प्रिंट के थ्रू नाइकी की ब्रांडिंग मिलेगी, जबरदस्त लग रही है। चूंकि टी-शर्ट का ओवरऑल कलर चारकोल ब्लैक है, उसके ऊपर ये ओशन ग्रीन कलर या ओशन ब्लू कलर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और निकल के आ रहा है। टी-शर्ट के फ्रंट में आपको कैंगारू पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे। अब देखो जब विंटर आएगा ना, तो ये वाले जो पॉकेट है और ये जो डिजाइनिंग है ना, बहुत ज्यादा कॉमन हो जाने वाली है। और आप ये चीज भी नोटिस कर
रहे होंगे कि टी शर्ट का जो मटेरियल है ना थोड़ा सा अलग है, मोस्टली गर्मी में तो पहनने के लिए है नहीं। ओवरऑल टी शर्ट बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है, हैवी है एंड वन ऑफ द कूलेस्ट टी शर्ट है इस पूरे हॉल का। ऑलराइट, हमारा लास्ट एंड द फर्स्ट टी शर्ट हमारे पास में आ गया। मैं इसे फर्स्ट क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जब हमने इस हॉल को बनाने के स्टार्ट किया था प्लानिंग, तो ये हमने पहला टी शर्ट सेलेक्ट किया था। बड़ा टी शर्ट को निकालते हैं, ब्रांड का नाम है एडिडास ओरिजिनल्स। एडिडास के भी दो वेरिएशन है कंपनी में, एक एडिडास ओरिजिनल्स। एडिडास ओरिजिनल्स ज्यादा करके लाइफस्टाइल पे फोकस्ड है और एडिडास स्पोर्ट्स पे फोकस्ड है। एडिडास ओरिजिनल्स की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी गई है 1999, 2000 रुपए का टी शर्ट है, इतना आपको पे नहीं करना है। टी शर्ट के अगर कलर की बात करें, पीच कलर का टी शर्ट है, ओवर साइज टी शर्ट है, राउंड नेक है, शॉर्ट स्लीव है और इसमें भी आपको ज्यादा तामझाम डिजाइनिंग नहीं मिलेगी बल्कि बीच में एक मिलेगा ब्रांडिंग। बहुत ज्यादा एंगेजिंग भी नहीं लगता लेकिन क्लीन और खूबसूरत लगता है। अंदर में आपको एडिडास ओरिजिनल्स का पैच मिल जाएगा और इसके राइट स्लीव में आपको एडिडास की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि ये व्हाइट कलर से। टी शर्ट पूरा कॉटन का बना हुआ है और चूंकि ये लाइट पीच कलर में है ना, बहुत ज्यादा खूबसूरत और सिंपल लगता है एंड डेफिनेटली हर लड़कों पे अच्छा लगेगा। और बात करें फाइनल कंक्लूजन की कि अगर 1000-1000 रुपए अगर आप खर्च करने की सोच रहे हो एक टी शर्ट के ऊपर, ऐसे ब्रांडेड टी शर्ट के ऊपर, तो आपको इन सब के लिए जाना चाहिए या नहीं। ऑनेस्टली बात करूं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों? सिर्फ इसको छोड़ दूं क्योंकि ये देखो अलग ही मटेरियल है, इसको भी रख देते साइड में। टी शर्ट की अगर सिर्फ बात करें ना, तो किसी भी टी शर्ट के फेब्रिक की जो क्वालिटी थी ना, अच्छी प्रीमियम या थिक नहीं थी। ये मैंने स्लोक का टी शर्ट पहना हुआ है, एक बर्नर, उसके जो कपड़े की क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है और थोड़ा सा डिफरेंट लगता है क्योंकि इन सारे टी शर्ट के अगर फेब्रिक की क्वालिटी देखोगे ना, बड़ा पतला पतला सा, बड़ा वीक वीक लगता है। ऐसा लगता है ना कि थोड़ी गंगा बोल के नाले में कूदा दिया। ओवरऑल अगर स्टाइलिंग की बात करें तो डेफिनेटली सारे टी शर्ट बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं, तो अगर आप इस पर्टिकुलर ब्रांड के टी शर्ट के लिए ही जाना चाहते हो तो डेफिनेटली जा सकते हो। लेकिन ये बात पक्की और सच्ची है कि इससे कम प्राइस में आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी के मटेरियल के ओवरसाइज टी शर्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले। अभी दिमाग में अगर कोई भी ऐसे खुराफाती आइडिया, हॉल आइडिया आता है तो हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पेश बू।